होके मायूस तेरे दर से सवाली न गया, झोलियां भर गई सबकी कोई खाली न गया। होके मायूस तेरे दर से सवाली न गया। वैलेंटाइन वीक के मौके पर आज हम आपको लैला मजनू का राजस्थान कनेक्शन बताते हैं। दुनिया में सैकड़ों साल बाद भी लैला मजनू की प्रेम कहानी अमर है। कहा जाता है लैला मजनू ने अपनी जिंदगी के आखिरी लम्हे पाकिस्तान बॉर्डर से महज 5 किलोमीटर दूर श्री गंगानगर के गांव बिंजोर में गुजारे थे। उनकी याद में लैला मजनू की मजार भी बनी, जहां देश दुनिया से प्यार करने वाले प्रेमी जोड़े आते हैं और जीवन भर साथ रहने की मन्नत मांग कर प्रेम का धागा बांधते हैं। भारत पाकिस्तान सीमा से 5 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है लैला मजनू की मजार। यहाँ उन्हें पानी नहीं मिला और इस कारण से उनकी मृत्यु हुई और उन्हीं की याद में यहाँ पर जो है ये समाधियाँ बनाई गई हैं। यहाँ पर हिंदू, मुस्लिम, सिख और ईसाई हर तरह के लोग आते हैं और वे अपनी मन्नतें मांगते हैं, उनकी मन्नतें पूरी भी होती हैं। इस मजार पर 1960 से मन्नत का धागा बांधा जा रहा है। श्री गंगानगर से 127 किलोमीटर दूर बिंजोर में ये मजार मजनू पोस्ट के नाम से मशहूर है। यहाँ हर साल 5 दिन 10 से 14 जून तक मोहब्बत का मेला भरता है। देश भर से प्रेमी जोड़े आते हैं और जिंदगी भर साथ रहने के लिए मन्नत मांगते हैं। तो यहाँ ये मजार के बारे में पहले सुना हुआ था आपने? हाँ, मैंने सुना था। आईबीसी और मन्नत की जो मांगते हैं वो सब पूरी होती हैं। बहुत नाम भी है इनका। हर धर्म से जुड़े प्रेमी जोड़े यहाँ चादर चढ़ाने आते हैं और मन्नत पूरी होने के बाद धागा खोलने आते हैं। हमारा बड़ा उद्देश्य यही है कि जैसे जो जैसे इनका पवित्र प्यार भगवान को मंजूर हुआ है, इसने अपनी लाइफ अच्छी व्यतीत की, वैसे हम चाहते हैं कि हमारा जीवन वैसे व्यतीत हो, प्यार है, बरकरार है। लैला मजनू के मजार से 5 किलोमीटर दूर बीएसएफ की पोस्ट है। दुनिया में अतीत के इन महान प्रेमियों को भारतीय सेना ने भी पूरा सम्मान दिया। भारत पाकिस्तान सीमा पर स्थित पोस्ट को बीएसएफ ने मजनू पोस्ट नाम दिया है। लैला मजनू की मोहब्बत पर बॉलीवुड में भी कई फिल्में बनी जो ब्लॉकबस्टर साबित हुई। आज के प्रेमी जोड़ों के लिए लैला मजनू की कहानी न सिर्फ प्रेरणा है बल्कि एक सीख है, किसी भी परिस्थिति में अपनी मोहब्बत का साथ नहीं छोड़ना। ब्यूरो रिपोर्ट, दैनिक भास्कर।